स्काई न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करता है। इस वेले असी उस कुंडली बॉर्डर से खड़े हैं जिथे एक पासे किसानों वालों कंडियाली तार लगाई है तो दूजे पासे तुसी देख सकते हो कि फोर्स खड़ी हैगी, राह रोकया गया, जबकि केंद्र सरकार वालों कह दिया गया कि राह खुला हैगा, तुसी आ सकते हो। एक तरीक का बुलावा भी आया से जो किसानों वालों ठुकरा दिया गया। जोगिंदर यादव भी साढ़े नाल ने, बहुत पुराने समय तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो अज समाज सेवी तौर के उपर इतने संस्था के नाल काम कर रहे हैं। जोगिंदर यादव जी, इस सारे प्रकरण को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक घड़ी है। मुझे याद है सन 1987-88 में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली में आए थे, लाखों किसानों को लेके दिल्ली में आए थे और देश के एजेंडा पे किसान स्थापित हुआ था। 32 साल बाद ये स्थिति आई है कि फिर किसान देश के एजेंडा पे आया है और इसके लिए मैं पंजाब के किसानों को सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने जो लीड ली है, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, उसकी वजह से आज इस देश का किसान इस मुकाम पर पहुँचा है। आपने कहा कि सरकार ने रास्ते खोल दिए हैं, राह खोल दी है, अभी खोली नहीं है, मन नहीं खुला है सरकार का, अभी शर्तें लगा रही है। सब कुछ हिंदी में कहते हैं, वो रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई। तो रस्सी तो जल गई क्योंकि किसान वहाँ से भी आ गए, दिल्ली भी आ गए, पहुँच रात को 11 बजे के करीब अमित शाह जी का बयान आता है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? उसको इसी तरह से देख रहे हैं जिसे आपने बोला कि रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई? मैं यही कह रहा हूँ जी कि अमित शाह जी ने एक मिनट की बाइट तो बड़ी सुंदर सी दी, उसके बाद जो चिट्ठी आई गृह मंत्री गृह सचिव की, उसमें दो शर्तें लगाई गई हैं कि आपसे बात करेंगे लेकिन तभी अगर आप यहाँ से छोड़ के बुराड़ी आ जाओ और अगर आप अपना सारा धरना प्रदर्शन बुराड़ी के ग्राउंड के अंदर ही करो जहाँ दिल्ली में कोई देखने वाला नहीं है। जब इन शर्तों के आधार पर चिट्ठी आती है तो पंजाब के तमाम किसान संगठन उसको एक स्वर से खारिज कर देते हैं कि ऐसी शर्तों के आधार पर हम किसी भी किस्म की बातचीत में नहीं जाएंगे। तो राह तो तब खुलेगी जब सरकार का मन खुले, जब सरकार बिना शर्त बात करे, जब सरकार तमाम लोगों को उसके अंदर बैठाए और सरकार इन कानूनों पे खुले मन से पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो। अभी सरकार खुले मन से पुनर्विचार नहीं कर रही है, अभी एक तरफ कह रहे हैं कि आ जाओ बात कर लो और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि ये भड़काए हुए लोग हैं, कन्फ्यूज लोग हैं, पार्टी के हैं, खालिस्तानी हैं। अब ऐसे बयान आते हैं कभी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान इनके साथ नहीं, जो यहाँ पर दिख भी रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि दो प्रदेश के किसानों को एक दूसरे से भड़काने वाली बातें हैं। ये कोई राष्ट्रवाद बड़ा नाम लेते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि टीवी स्टूडियो में बैठ के आप पाकिस्तान को गालियां दो, राष्ट्रवाद का मतलब है पंजाब और हरियाणा के किसान को जोड़ो, तोड़ने वाली बातें मत करो। पंजाब का किसान आया है, हरियाणा का किसान उसको अपना भाई मान रहा है, वो उसको दूध दे रहा है, वो उसको हलवा खिला रहा है और हरियाणा का मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहा है जिससे शर्म आती है मुझे। कहते हैं कोरोना हरानी हरियाणा में है, भाई पिछले संडे को दुष्यंत चौटाला यहाँ रैली कर रहे थे तब तो कोरोना नहीं था, अब अचानक कोरोना हरियाणा के अंदर आ गया। कहते हैं खालिस्तानी कर रहे हैं, आप ये देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हो। जिस प्रोटेस्ट के अंदर मुसलमान दिख जाए वो इस्लामिक हो गया, जिसके अंदर सिख दिख जाए वो खालिस्तानी हो गया, ये तो देश को तोड़ने वाले काम है। अभी तक कभी हुआ है कि राज्य मार्ग को खोदा गया हो रास्ता रोकने के लिए? मैं वही सोचता हूँ कि कल तो राजस्थान ही फैसला कर लेगा कि गुजरात का किसान आके मोदी जी से नहीं मिल सकता, राजस्थान सरकार फैसला कर लेगी। भाई हरियाणा सरकार का मतलब क्या है? आप यहाँ पे रास्ता हो, आप रास्ते के अंदर ये कह सकते हो डिसिप्लिन से चलो, सड़क के एक तरफ चलो दूसरी तरफ चलो, इससे फालतू मतलब क्या है हरियाणा सरकार का? हरियाणा सरकार तय कर सकती है कि पंजाब का किसान दिल्ली नहीं जाएगा। सड़कें खोद रही है, मतलब सरकार सड़क खोद रही है, किसान सड़क भर रहे हैं, मतलब पहली बार ये तो बातें सुनी है। मगर इसी कारण से जो हुआ है वो ऐतिहासिक है और मुझे विश्वास है कि इस ऐतिहासिक संघर्ष में किसान एक ऐतिहासिक विजय लेके उठेंगे। सो जोगिंदर यादव से बात की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ऐतिहासिक घड़ी है जिसमें पंजाब के किसान जो हैं खास तौर पर सामने आए हैं, उनका किया हुआ पूरे विश्व में देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ की न्यूज़ सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर चैनलों पर भी प्रसारित हो रही है। और स्थिति है, एक बार फिर से दिखाऊं, आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बैरिकेड लगा हुआ है, उसके ऊपर तार लगी हुई है और कहा जा रहा है कि रास्ता खोल दिया गया है, सरकार की तरफ से निमंत्रण है कि आप यहाँ से निकले। और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर किसानों की तरफ से भी तार लगाई गई है
और किसान जत्थेबंदियों के जो लोग हैं वो एक लाइन लगाकर खड़े हैं, तो इसलिए कि इधर से कोई और उधर ना जा सके। हम सिर्फ अच्छी तरीके से व्यवस्था से ये सारा जो संघर्ष है वो करना चाहते हैं। नौजवान लड़के हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई की नाम है भाजी? सो तुसी देख लो गल कितनी सही है कि जो उन्होंने ड्यूटी दी अपनी ड्यूटी से गल करने भी तैयार नहीं है, जबकि अज नौजवानी कहती है कि टीवी के उपर चेहरा दिख जाए असं दिख जाइए, लेकिन अपने वचनों के पक्के ने। उन्होंने कहा जो ड्यूटी सानू ड्यूटी मिली है वही ठीक है, तुम गल करनी है तो उधर करो। तो साफ तौर पर जो एक तरीक का बुलावा आया से केंद्र सरकार वालों वो ठुकरा दिया गया, क्योंकि साफ उन्होंने कहा कि शर्तों के उपर असी सरकार को नहीं जावे। जिहड़ियां साडियां शर्तां ने वो मंजूर होने चाहिए, जिदे विच किसानों का कहना है कि जिहड़े किसान भाइयों के उपर किसान नौजवानों के उपर परचे दर्ज होने वो रद्द होने चाहिए, तो नाल जिहड़े तीन कानून ने वह भी रद्द होने जरूरी ने, तो अगे जाके गलबात हो सकेगी। सो इस तरह देख दो स्काई न्यूज़ हुण मैनूं किरण वशिष्ठ नूं ते कैमरामैन हरपाल नूं दिओ इजाजत। धन्नवाद जी।